सुबह के 5:36 हो रहे हैं और मैं इस समय मल्लीताल फील्ड में खड़ा हूँ और वेदर जो हो रहा है क्लाउडी हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चाइना पिक की पहाड़ी के ऊपर क्लाउड है और बारिश होने के पूरे पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। और गाइज कुछ मॉर्निंग में 5:30 के आसपास ऐसा वेदर हो रहा है देखिए। और मल्लीताल फ्लैट में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, धीरे धीरे करके बच्चे आएंगे प्रैक्टिस करने स्पोर्ट्स की और कुछ लड़के रनिंग कर रहे हैं और मैं निकला हूँ जस्ट अभी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के और अब वापस घर जाऊँगा। फिर रेडी होके तैयार होके जो है टाउन में आऊँगा और दिन भर का जो एक्टिविटीज़ है, कंडीशन है यहाँ की, टूरिज़्म है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं वापस अपनी बाइक के पास और उसके बाद जाएंगे पैदल पैदल घर, क्योंकि आते वक्त बाइक से आया था, बाइक यहीं छोड़कर घर वापस जाऊंगा मैं बाय वॉक। सुबह सुबह वॉक भी ज़रूरी है और धीरे धीरे कोशिश ये करूंगा कि मैं आऊं भी घर से पैदल ही, थोड़ा पैदल चलने के लिए प्रैक्टिस धीरे धीरे, एक दो दिन एक तरफ से बाइक से एक तरफ से पैदल और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऊपर से भी पैदल आना होगा क्योंकि पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बाइक के पास चलते हैं और फिर वापस घर की तरफ। गाइस पैदल चलते चलते हम पहुंच चुके हैं ऊपर जहां से हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ये पेड़ और ये पीछे का व्यू। बस कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद तैयार होके नहा धो के ब्रेकफास्ट करके वापस टाउन में काम के लिए आया जाएगा और दिन भर की दिनचर्या आपको दिखाई जाएगी और क्या क्या स्पेशल होता है वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी आज। तो बस पहुंचने ही वाले हैं घर और मिलते हैं वापसी में तैयार होने के बाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस आज है 22 अगस्त और आज शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और चलते हैं नीचे टाउन में और आपको दिखाते हैं कि नैनीताल की क्या स्थिति है, क्या माहौल है, कैसा टूरिज़्म है और कैसा वेदर है आज दिन भर। तो गाइस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस ब्लॉग को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप कुछ जानकारी मिस कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस मैं दोबारा से रेडी होके वापस टाउन की तरफ जा रहा हूँ और थोड़ा लेट हो गया और गाइस बहुत बड़े बड़े बिच्छू हो गए, देखिए बिच्छू घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, कभी हाथ में लग जाती है तो खुजली होती है काफ़ी देर तक। तो इस तरह की पगडंडी वाला रास्ता है, देखिए रास्ता तो मेन, देखिए वो ऊपर आपको वो देखिए रेलिंग दिखाई दे रही है, वो है मेन रास्ता, बट वो थोड़ा सा लंबा है तो ये शॉर्टकट रास्ता, ये थोड़ा इजी पड़ता है और आदत भी हो गई है इस रास्ते की। बाइक से तो खैर हम उसी रास्ते से ही जाते हैं नीचे टाउन में और पहुंच गए हम फिर से मेन रूट में। तो सुबह से मॉर्निंग से वेदर तो क्लाउडी है बट बारिश नहीं हुई अभी तक और देखते हैं आज दिन भर कैसा रहता है। तो गाइज वेदर तो फिलहाल अच्छा हो रहा है और सुबह ब्रेकफास्ट किया, खिचड़ी बनाई थी वो खाई और थोड़ा पराठे सब्जी वगैरह और अब चलते हैं नीचे। सामने देखिए माउंट धनुष और ये हम पहुंच गए रामा कॉटेज, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये रिटायर्ड कर्नल का है जो कि यहाँ रहते नहीं है। और आजकल चारों तरफ देखिए बिच्छू घास बारिश की वजह से और ये फ्लावर्स वैसे जंगली फ्लावर्स हैं पर लगते अच्छे हैं, कहीं भी उग जाते हैं। और ये हमारा देवदार जो दिन प्रतिदिन ऊंचा होता जा रहा है। तो गाइज हम आ चुके हैं तलीताल
और इस समय हम तलीताल के मेन चौराहे पर खड़े हैं। ये वो जगह है, जैसे ही आप नैनीताल में एंटर करते हैं, चाहे आप भवाली से आए या हल्द्वानी से आए, तो सबसे पहले यही व्यू आपको दिखाई देता है। और ये खूबसूरत सी लेक और मछलियां देखिए आप, और सारी मछलियों के बीच में एक व्हाइट मछली क्या खूबसूरत लग रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और गाइस ये देखिए क्लाउड, चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स। और ये नैनीताल का मेन चौराहा, और अंदर सामने जो है वो मलिताल बाजार है, और ये जो चर्च जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये स्कूल है एक, आई थिंक बिशप शॉ इंटर कॉलेज है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं पंत पार्क में, और पंत पार्क में हल्की फुल्की चहल पहल है, पर पर्यटक बहुत कम है, लोग लाइट ही दिख रहे हैं, इक्के दुक्के पर्यटक हैं। और लेक में भी हल्की बोटिंग हो रही है, पर वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह से वेदर खुला खुला सा है, बारिश नहीं है। और फील्ड में बच्चे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गर्ल्स फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही हैं, और ये नई रेलिंग लग रही है। और अब चलते हैं लेक के किनारे। और गाइस लेक के पास आके तो ऑलवेज ही अच्छा लगता है, ये उड़ते हुए पीपल के पत्ते। और भीड़ भाड़ तो कम ही है आज, और क्लाउडी वेदर, बस एक महीने के लिए बचे हैं बादल, उसके बाद फिर ये दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये मानसून टाइम में दिखते हैं। और पंत पार्क में ये अंकल मिल गए जो मुकेश के गाने गाते हैं, और इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मलिताल रिक्शा स्टैंड चौराहा पंत स्क्वायर, और कुछ इस तरह का वेदर है, खाली खाली सी सड़कें, थोड़ा बहुत क्राउड है ही। फिर और वेदर तो अच्छा है, दिन में बारिश नहीं हुई, और सभी लोग खड़े ही हैं। बोलू कैसा भाई, तगड़ा वाला ऑफ सीजन लगा हुआ है, कंटिन्यू सारी स्कूटियां खड़ी हुई हैं। थोड़ी बहुत चहल पहल है रिक्शा स्टैंड पे, हल्की फुल्की भीड़ भाड़ है, बट देखिए सारी जितनी भी कॉमर्शियल स्कूटियाज हैं, जितनी भी स्कूटीज हैं, सब ये देखिए लाइन से खड़ी हैं। और बिजनेस बहुत डाउन है, बट रिक्शा स्टैंड पे तो थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ है। बट ये रिक्शा स्टैंड की भीड़ आमतौर पे, यूजुअली जो रिक्शा स्टैंड की भीड़ होती है, ये लोकलाइट क्राउड होता है। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं स्टेडियम में, मलिताल फ्लैट दिख रहा है सामने, और स्कूल के बच्चे देखिए फुटबॉल का प्रैक्टिस करते हुए, और कुछ मैच भी चल रहा है, और वेदर बहुत अच्छा है आज, सुबह से बारिश नहीं हुई है, और कभी कभी हल्की हल्की धूप आ रही है। फ्रेंड्स शाम के 4 बज चुके हैं, और हल्का हल्का क्राउड है शाम को, बहुत ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कभी क्राउड हो जाता है कभी खाली हो जाता है। और चारों तरफ जो है बादल आ चुके हैं शाम के वक्त, और दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन एक बात ये अच्छी रही कि आज दिन भर वेदर खुला रहा, कुछ भी बारिश नहीं हुई, और पूरा दिन भर धूप और धूप छांव रही लेकिन बारिश नहीं हुई, वेदर बहुत अच्छा रहा, तो गाइज अच्छा लगा आज। फ्रेंड्स शाम के 5 बज चुके हैं, और हम वापस आ चुके हैं, और आज दिन भर हमने जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई नीचे,
और तो गाइज आज इस ब्लॉग का यहीं पे अंत करते हैं और अब मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।